हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर डेली व्लॉग ऑफ डेलियोमैटिक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो के नीचे वो छोटा सा थम्स अप वाला बटन, लाइक वाला बटन से दबाना भूलिएगा मत, और साथ ही साथ में जो उसके साथ एक और थोड़ा सा लंबा रेड बटन है सब्सक्राइब चैनल का, वो भी दबाना भूलना मत। वरना जाहिर सी बात है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कैसे पता चलेगा कोई नया व्लॉग अपलोड किया गया चैनल पर। तो मैं जिम से एक्सरसाइज करके अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पूरी कर करके वापस आ गया हूँ, और बड़ी बुरी हालत हो गई है मेरी। गर्मी रहता है जब फिजिकल बंदा काम करता है, फिजिकल कोई भी काम करता है, बंदा हो या बंदी हो, तो पसीना आता है उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, और गर्मी लगती है। वो मैंने काम किया है तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, तो बस क्या करें, गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ती है गर्मी में। और एक और मसला भी है, मुझे भूख लगी हुई है। अब मैं जैसे बता चुका हूँ कि मैं एक नए कंट्री और एक नए कॉन्टिनेंट में आया हूँ, यहाँ अपने काम सारे खुद करने पड़ते हैं, कोई करने वाला तो है नहीं ना। तो आज दोपहर को मैंने खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है, तो मैं सोचूँ मैं क्या खाऊँ यार, कुछ खाने के लिए पड़ा ही नहीं होगा फ्रिज के अंदर, तो क्या हवा खाऊँगा। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे उसे याद आया, मुझे ये बात याद आई कि मैंने एक चीज़ मंगवा के, एक रेडीमेड चीज़ प्रेस्टो ऐप से मंगवा के पहले से रखी हुई है फ्रिज के अंदर, तो मैंने सोचा कि वो गर्म करके क्यों ना खा लूँ। तो चलते हैं फ्रिज की तरफ, देखते हैं क्या पड़ा है, जो मैंने क्या ऑर्डर किया था प्रेस्टो से पता तो है क्या पड़ा है, खैर देखते हैं क्या ऑर्डर किया था मैंने प्रेस्टो से, उसको गर्म करते हैं फिर मज़े से खा जाते हैं। जी, तो मैंने जो सी चीज़ प्रेस्टो से ऑर्डर की थी मैंने निकाल ली है। अब वैसे तो ये शॉपर अच्छे नहीं होते एनवायरमेंट के लिए और हमारी सेहत के लिए, पर क्या करें, ये शॉपर यूज़ करने पड़ते हैं। वरना जाहिर सी बात है, कपड़े के शॉपर तो यहाँ है नहीं क्योंकि यूरोप नहीं है। चलो कुछ नहीं होता, चलिए देखते हैं मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की थी प्लेस्टो से और कैसी है वो चीज़। और ये देखिए, बड़ी कोशिश करने का मैंने शॉपर खोल लिया। यहाँ पे ऐसी पैकिंग नहीं होती कि बस दिखावे वाली पैकिंग, बहुत अच्छी तरह पैक करके अगली चीज़ देते हैं। और मैंने बहुत ही मज़ेदार मिक्स राइस मंगवाए थे, बड़े नज़र आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार हैं। मेरे मुँह में तो पानी आ गया कुछ खुशबू सुन के, खैर मुँह में पानी आता ही है जो भूख लगी और कुछ भी दर्द या मज़ेदार चीज़ मज़ेदार देखता है। तो चलिए अब इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र करता हूँ, वो है ना अंग्रेज़ी वाला वर्ड, एक चीज़ एक जगह से दूसरी चीज़ में, दूसरी जगह चीज़ मुंतकिल करना, वही मैं इस कंटेनर में इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करता हूँ। मिक्स राइस को फिर गर्म करता हूँ, देखते हैं कितनी देर लगती है इसको गर्म करने में। वैसे यहाँ मैं जिस नए कंट्री में आया ना, यहाँ वोल्टेज सही होती है बिजली की, तो ज़्यादा देर नहीं लगती गर्म करने में। खैर चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए जी, मैंने इस पैक्ड कंटेनर में इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया चावलों, और अब चलते हैं चावलों को गर्म करते हैं। और ये खोला माइक्रोवेव का दरवाज़ा, हवा इस्तेमाल के बगैर खोल लिया, इसको रखा चावलों की प्लेट को माइक्रोवेव के अंदर। ये चम्मच उठा रहा हूँ, जैसी बात है माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक नहीं रखना चाहिए ना। और इसको आराम से बड़ा ही इत्मीनान से बंद किया, और इसको कितनी देर के लिए गर्म करना चाहिए, वैसे एक मिनट भी काफ़ी है, चलिए देखते हैं एक मिनट में कितनी देर लगती है गर्म होने में, कैसे गर्म होते हैं एक मिनट के अंदर। सर यहाँ सिर्फ एक मिनट लगता है चीज़ को गर्म करने में, पाकिस्तान की तरह नहीं कि आप 10 मिनट भी लगा दें बिजली का लहजा ज़्यादा, और उसके बाद चीज़ भी गर्म नहीं होती। यहाँ थोड़ी सी मामूली सी जरासीम के तक बिजली इस्तेमाल होगी और चावल एकदम मस्त कलंदर गर्म हो जाएंगे। चलिए जी, मैंने जो माइक्रोवेव जो गर्म कर लेते हैं चीज़ें, जो टूं टूं की आवाज़ आती है ना, मैंने वो टूं टूं की आवाज़ सुन ली है। तो चलिए देखते हैं किस तरह गर्म हुए हैं चावल महज एक मिनट के अरसे में। और ये खोला माइक्रोवेव का दरवाज़ा, गर्म हवा आ रही है, गर्म उसके वजह से भाप उठ रही है चावलों के ऊपर से। खैर देखते हैं, मैं ये भी बता दूँ यहाँ पे ये नहीं करना पड़ता कि जी आधा टाइम गर्म हो गया गर्म होने का चीज़, तो उसके बाद आप चम्मच जो से इतना गर्म होंगे वैसे ही रख दें चावल, तो अच्छी तरह गर्म हो जाते हैं चावल, या जौन सी चीज़ भी चाहे सारा है चाहे चावल चाहे जी है। चलिए जी, मैंने जो खाना से मैंने गर्म कर लिया, मैं इसको बैठ के इस पर हमला करूँगा, खाऊँगा, साथ में कोई फिल्म शिल्म देख लूँगा या कुछ गाने शाने सुन लूँगा, आखिर रात का वक्त है ना, चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, तो वही बात है, सबसे मैं अच्छी कुछ चीज़ देख लूँगा और फिर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे थे चावल। तब तक के लिए डोंट मिस मी टू मच, टाटा।